दर्द दिखाई पड़ता है दिल्ली की जड़ों में, जहां आज भी आपके पास न तो पानी है, न सही तरह से बिजली है, न शौचालय है, न सड़कें हैं, न सफाई है, न शिक्षा है, न रोटी और ना ही कोई उम्मीद। अन्ना के साथ आंदोलन का हिस्सा बने केजरीवाल ने कहा था राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन आ गए। राजनीति में कदम रखा तो सीएम बनने की इच्छा हुई और सीएम की कुर्सी के लिए लोगों से ढेरों वादे किए, जिनमें से एक वादा था महिलाओं की सुरक्षा और स्पेशल कमांडो फोर्स तैनात करने का वादा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इज द मोस्ट पैरामाउंट एंड इमीडिएट एंड अर्जेंट नीड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन आम आदमी पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा कुछ ऐसे की। दिल्ली बिल्कुल सेफ नहीं है लेडीज के लिए। हमें 7:30 के बाद अलाउड नहीं होता बाहर आना, सिर्फ एक ही रीजन है और जो हमेशा ये बोला जाता है दिल्ली है इट्स अ रेप कैपिटल। सीएम की गद्दी क्या होती है, उसे कैसे चलाया जाता है, इस सबसे अनजान केजरीवाल पूरी दिल्ली को बेहाल बनाकर अब पंजाब की ओर रुख कर रहे हैं।